यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्री स्टाइल ब्लॉगर में। आज हम जाने वाले हैं मूचन, और अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं करीब। तो सुबह सुबह हम चलते हैं मूलचंद। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा मेट्रो स्टेशन नियर बाय है, और वो मूलचंद की दुकान कितनी फेमस है साउथ दिल्ली में। चलिए चलते हैं। ये नेहरू प्लेस की मार्केट आ गई है, इसका बैक साइड है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं। अगर आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। अगर आप नेहरू प्लेस मार्केट के लिए डिटेल में जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करना, आपको वहाँ ऑप्शन दिख जाएगा नेहरू प्लेस मार्केट का। तो वहाँ उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा कवर अप कर रखा है कि आप यहाँ कैसे रखते हैं, किसकी क्या टाइमिंग है। और ये वीडियो मैंने लॉकडाउन के बाद की बना रखी है, तो आपके लिए ज़्यादा काम आएगी। और अगर आप दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल आना चाहते हैं तो मैंने उसका भी एक ब्लॉग डाल रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करना तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप राइट साइड में अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको इस्कॉन टेम्पल आप जा सकते हैं। सो गाइस, अभी हम मूलचंद परांठे वाले आ चुके हैं। ये जो आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है बहुत बड़ा था, इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मूलचंद परांठे वाले की शॉप है। ये पूरे साउथ दिल्ली में बहुत फेमस है और ये इसका मेट्रो स्टेशन है। मैं यहाँ स्कूटी खड़ी करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ के थोड़े डिटेल के बारे में और बताता हूँ आगे। ये हमारे भाई ऑर्डर ले रहे हैं पराठों का, तो मैं आपको एक बार यहाँ का मेन्यू दिखा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके देख लेना, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ही देख लेना। और इसकी टाइमिंग है, ये सुबह 7:15 बजे खुल जाता है और ये रात के 9 बजे बंद हो जाता है। अभी इन्होंने टाइमिंग थोड़ी कम कर रखी है, मैंने यहाँ 11:11 बजे भी ऑर्डर करके खाया है। ये मेरा क्रिकेट का ग्रुप है, बहुत से बंदे आए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिकेट का व्लॉग भी बनाऊं तो नीचे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये मूलचंद परांठे वाली की दुकान शुरू से यहाँ पर नहीं थी, पहले इस ठेले पर बेचा करता था। उसके बाद धीरे 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 करके ये वहाँ मेट्रो स्टेशन के नीचे शिफ्ट हो गया। मैं जब छोटा था तो मैं इसी ठेले से खाया करता था, वैसे तो ये यहाँ पर रेडी लगाया करता था पहले, जब मैंने आपको जो जगह दिखाई थी। आप यहाँ से अंदर आ सकते हैं, मूलचंद का एक रास्ता है और एक यहाँ से आप आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो। ये वही भाई है जो अभी ऑर्डर ले रहे थे। अभी मैं आपको यहाँ के मेट्रो स्टेशन के पास लेकर चलता हूँ। तो अगर आप मेट्रो स्टेशन आते हैं मूलचंद, आपको उतरना है, एक नंबर से आप एग्ज़िट करना, आपको बहुत नियर बाय पड़ेगा, ये वॉलेट लाइन पे पड़ता है। सामने अगर आप बाइक वगैरह से आते हैं तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, अगर कोई भीड़ भीड़ होती है। यहाँ पर पास में एटीएम भी है, अगर आप यहाँ से कैश निकालना चाहें या कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पैसे की कंट्री हो रही है, तो पैसे गिर गया नीचे, ये 25 रुपये। सो अभी हम अपने हैंड सैनिटाइज करते हैं भाई सारे। पराठों का ऑर्डर दे दिया था तो पराठे आ चुके हमारे। मैं आपको पराठों क्वालिटी दिखाता हूँ और क्वांटिटी दिखाता हूँ। ये मेरा आलू का पराठा है, ये आलू प्याज का, इसके साथ ये मक्खन कैसे टिक्की देते हैं, ये पनीर का पराठा खा रहे हैं। अब इसकी क्वांटिटी देखिए,
ये मक्खन एक टिक्की देते हैं आपको पूरी, और जितना आपको सलाद लेनी है आप ले सकते हैं यहाँ से आकर। हम तो यहाँ सुबह सुबह 7:30 बजे करीब आ गए थे, इस वजह से अभी भीड़ कम है, वरना शाम को भी ज़्यादा भीड़ होती है, शायद अभी कम हो क्योंकि हम तो अभी सुबह ही आए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जाओ यार मूलचंद, खा पी कर आओ, और जो जो मूलचंद जाना चाहता है वो मूलचंद जा पाए आसानी से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये लाल कलर का बटन आ रहा है इसको दबा देना, और बेल आइकन आ रहा है उस पर भी दबा देना, ताकि जब जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब के लिए बाय बाय।